IBN 7, Horsefly. अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना, अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना, अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। जी हाँ, नारी शक्ति, और इस नारी शक्ति को आज हम सबने देखा है राजपथ पर, और आज हम सभी बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं क्योंकि बहुत कुछ ऐसा हुआ है आज 26 जनवरी को हमारे 66वें गणतंत्र दिवस को, जो कि हमने पहले नहीं देखा था राजपथ पर। नवजोत, मुझे तो सबसे ज्यादा अच्छा तब लगा जब वो तीनों सेनाओं की महिला विंग जब मार्च कर रही थी, आई फेल्ट सो प्राउड, रोना आ रहा था, वो खड़े होकर मैं अकेले ताली बजा रही थी। रोना खुशी की आंसू। बिल्कुल बिल्कुल रिचा, लेकिन मैं एक बात करना चाहूंगी, जो कल हमने देखा जिस तरीके से विंग कमांडर पूजा ठाकुर बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बराक ओबामा के गार्ड ऑफ ऑनर जिस तरीके से उन्होंने लिया और जिस तरीके से उन्होंने लीड किया, वो काबिले तारीफ थी। निहारिका, कुछ खास आज लगा? वही, जिस तरह से आज की खास थीम नारी शक्ति रखी गई थी, सुंदर सुंदर झांकियां निकाली गई थी, वो वाकई दिल को खुश करने वाली। अरे नहीं, लेकिन क्या आप लोगों को वो चीज याद है जो वाघा बॉर्डर पर हुआ, वो मार्चिंग, उसमें जिस कॉन्फिडेंस के साथ और जिस अदब के साथ उन लोगों ने मार्च किया, मुझे तो बहुत। चलिए, ये सारे रंग आज पहली बार हुआ और ये सारे रंग हम सबको देखने को मिले, तो इन सभी रंगों को समेटे हैं हमारी ये रिपोर्ट, आप इसको देखिए। शक्ति का नाम ही नारी है, इसकी मिसाल देखने को मिली दिल्ली में सजे धजे राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान। दस्ते में 148 66वें गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड में एक और इतिहास रच दिया गया। इस बार परेड की थीम थी नारी शक्ति। ये पहला मौका है जब थल, जल और वायु सेना के महिला सैन्य दल परेड का हिस्सा बने। न सिर्फ हिस्सा बने बल्कि महिला दल ने परेड की अगुवाई की। परेड में महिला सैन्य दस्ते का नेतृत्व कैप्टन दिव्या ने किया। जिस समय यह दस्ता परेड करता हुआ निकला, दर्शक दीर्घा में मौजूद मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाते हुए अभिवादन किया। उधर नेवी के दस्ते का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर संध्या चौहान ने किया। प्लाटून कमांडर और पहली बार वायुसेना की महिला अधिकारियों का, तो वायुसेना के दस्ते की अगुवाई की स्क्वाड्रन लीडर स्नेहा शेखावत। दस्ते में 148 महिला अधिकारी शामिल, कमान संभाली है स्क्वाड्रन लीडर स्नेहा शेखावत ने। इतने सारे सेलर्स के साथ और जो हमारे कंटिजेंट का जोश था वो भी बहुत हाई था, और उस जोश के साथ राजपथ पे मार्च करना बहुत अच्छा लगा था। इट वाज ए गुड एक्सपीरियंस फॉर इट। ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बिकॉज दिस टाइम जो चीफ गेस्ट थे वो यूएस प्रेसिडेंट थे, तो एक्सपीरियंस जितना अच्छा होता था उससे और भी ज़्यादा अच्छा हो गया है। एंड ऑब्वियसली हमारे जो ऑफिसर्स हैं, मैन है, उनका मोराल बहुत हाई है, मोटिवेशन लेवल इतना हाई है कि जब आप उन्हें लीड करते हैं तो आपका जो फीलिंग है वो और भी ज़्यादा स्पेशल हो जाता है। तो इट वॉज अ वेरी गुड फीलिंग। द टैंक T-72 विथड्रॉल कमांडेड बाय कैप्टन जयेश राणा। तीनों सेनाओं के महिला दल के अलावा पहली बार T-72 टैंक की कमान महिला अफसर के हाथ थी। कैपेबिलिटी ऑफ द इंडियन आर्मी। 114 आर्मर्ड इंजीनियर रेजिमेंट की कैप्टन उर्वशी जरोरा ने परेड को कमान किया। भारत के 66वें गणतंत्र दिवस के, भारतीय सेना की उन महिला अफसरों को झांकी में खास तौर से शामिल किया गया जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। और अब एनसीसी के अलावा एनसीसी ने भी खास तौर से पूरी तरह से लड़कियों की कंटिंजेंट को उतारा।
इस दल का नेतृत्व कर रही हैं। प्रेसिडेंट ओबामा फॉर द सैल्यूट। इससे पहले नारी शक्ति की ये मिसाल रविवार को भी देखने को मिली थी। तब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की गार्ड ऑफ ऑनर का नेतृत्व एयरफोर्स की विंग कमांडर पूजा ठाकुर ने किया था। I'm sure it was even prouder for myself to be presenting the Inter-Services Guard of Honor to Mr. Barack Obama, and it was a proud moment to represent the Indian Air Force and to be standing there and giving him the Rashtra salute. गणतंत्र दिवस समारोह में किरण बेदी पर भी सबकी निगाहें थी। देश की पहली महिला आईपीएस रही किरण बेदी ने 1975 में गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली पुलिस के दस्ते का नेतृत्व किया था। प्रणय उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आईबीएन 7। एनएसएस यानी राष्ट्रीय सेवा योजना के। वैसे आज राजपथ पर हर तरफ नारी शक्ति दिखाई दी, जहां हमने इतनी सारी महिला ऑफिसर्स को देखा। उसके अलावा जिन 24 बच्चों को वीरता पुरस्कार मिला है उनमें भी इस बार लड़कियां शामिल हैं। आइए मिलते हैं उन लड़कियों से। एक आदमी हमारे तरफ आया और है ना हमारी गाड़ी में आके बैठ गया और ड्राइवर के यहाँ पे गन लगा दिया और ड्राइवर को गाड़ी चलाने के बोला। फिर जब हम जंगल के वहाँ पे पहुंचे तो फिर वो 2-3 बच्चों को अपने साथ लेके जा रहा था, तो मैंने कहा कि उन्हें छोड़ दो, मुझे लेके जाओ, बहुत छोटे हैं। फिर वो जब वो मुझे लेके गया, फिर जंगल में बैठा के रखा, फिर रात को फिर जब सब ढूंढने आए तो मेरे मुँह के अंदर एक गन डाल दी, फिर मुझे बैठा के रखा पूरी रात। फिर मुझे कहा, थोड़ी दिन बाद मुझे कहा कि तू इधर ही है ना, मैं आ रहा हूँ। फिर वो आया नहीं, फिर मैं सुबह निकल गई जंगल से। मोदी जी से बात हुई आपकी, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने मुझे मतलब आशीर्वाद दिया और कहा कि अच्छे से पढ़ना से बोला, वो बहुत अच्छे। लास्ट ईयर मेरे स्कूल से पिकनिक ऑर्गेनाइज की थी और आते वक्त 3 बसेस थी, 2 बसेस ऑलरेडी आगे निकल गई थी और हमारी लास्ट बस थी। मैं बीच में बैठी थी और अचानक से बस पहले लेफ्ट में घूमी और राइट में पूरी गिर गई। मैं तो बच गई थी पर मेरे दोस्त थे ना वो उछल के आगे आ गए और जिसकी वजह से उनके मुंह पे पूरे कांच घुस गए थे और एक का हाथ कट गया था उसमें और बहुत सारे लोग थे जैसे उनका सिर फट गया था। तो उसमें जो बेहोश थे ना उन लोग को मैंने टैपरिंग करके कॉन्शियस रखा जिससे वो कोमा में ना जाए। उधर से एक अंकल पास हो रहे थे तो उनको रोक के 108 और 100 पे कॉल करवाया। मैं और मेरी छोटी बहन रोनी, हम दोनों सुबह सुबह आम को खाने के लिए खेत में गई थी। आम को जमा करके हमारे कपड़े में भर कर हम वापस गनिन के खेत के रास्ते से जा रही थी। मैं आगे थी और रोनी मेरे पीछे थी। एक एक मुझे रोनी के चिल्लाने की आवाज़ आई, इसलिए मैंने पीछे देखा तो एक बड़े शेर ने उसके पैर को पकड़ लिया और गिरा दिया था। मेरे कपड़े में जो आम था उसे फेंक फेंक कर मार कर उसे भगाने की कोशिश किया। अच्छा, आप लोगों को भी गर्व महसूस होता है कि जब किसी भी लड़की को या किसी भी नारी को कोई वीरता पुरस्कार मिलता है? बिल्कुल, यकीन मानिए कि 66वां जो गणतंत्र दिवस है उसकी सबसे बड़ी जो परेड है वो यकीनन यहाँ पर नई दिल्ली में हुई, लेकिन यकीन मानिए रिचा, नवजोत, निहारिका, मुस्कान, इसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई दी होगी। और 66 साल में ऐसा कुछ पहली बार बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो 66 सालों में नहीं हुआ। छियासठवां गणतंत्र दिवस वो खास दिन जब 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। आसमान ने भी जैसे हल्की बूंदाबांदी से इस दिन का नमन किया। सुबह हुई शहीदों के सम्मान के साथ, अमर जवान ज्योति पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी। फिर तो जैसे पूरा हिंदुस्तान राजपथ पर उतर आया। पहले पीएम मोदी, फिर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और फिर आई बीस्ट। अपनी किलेनुमा गाड़ी से पधारे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और फर्स्ट लेडी मिशेल। यह पहला मौका था जब अमेरिकी राष्ट्रपति विदेश में खुले आसमान के नीचे 2 घंटे से ज्यादा वक्त एक जगह पर गुजारने वाले थे।
यह अग्नि परीक्षा थी देश की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों की, इसीलिए खास मेहमानों के लिए थी बुलेट प्रूफ दीवार। और फिर शुरू हुई भारत की आन बान शान की परेड। मेहमान गदगद भाव से शौर्य सम्मान के रंग देखते और कभी ताली बजाते, कभी भारतीय गणतंत्र की महानता स्वीकारते। परेड कमांडर थे मेजर जनरल सुब्रतो मित्रा। दंदनाकर गुजरा T-90 टैंक यानी भीष्म, इसके बाद उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव और आकाश मिसाइल, या पिनाक मल्टी रॉकेट सिस्टम या चलता फिरता रडार। पहली बार कोस्ट गार्ड का जलवा दिखा, पहली बार तीनों सेनाओं की महिला टुकड़ी ने राजपथ पर सलामी दी। इसीलिए 66वें गणतंत्र दिवस का थीम नारी शक्ति रखा गया। इसके बाद जाट, असम, कुमाऊं से लेकर गोरखा रेजिमेंट्स के जवान गुजरे, हर रेजिमेंट का बैंड। और देश प्रेम में डूबी धुन सीमा सुरक्षा बल के ऊंटों के काफिले ने सबका मन मोहा। और फिर आई रंगारंग झांकियां। राजपथ पर नया नवेला राज्य तेलंगाना हो या गुजरात की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, चाहे मेक इन इंडिया का कलपुर्जों से बना शेर हो या योग को समर्पित आयुष मंत्रालय की झांकी, फिर आए बहादुर बच्चे और मन मोहते नृत्य, आखिर में बीएसएफ के डेयर डेविल्स के करतब। आसमान में भारतीय वायुसेना के जांबाजों ने जैसे आसमान पर लिख दिया जय हिंद। ब्यूरो रिपोर्ट, आईबीएन। और जहां एक तरफ सारी दुनिया ने देखी है हिंदुस्तान की ताकत, हिंदुस्तान ने आज देखी है अपनी नारियों की शक्ति। और इसीलिए आज आईबीएन 7 की सब नारियां यहां स्टूडियो में बैठी हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि दर्शक तो ठीक है, हमारे जो पुरुष सहयोगी हैं वो भी हमारी शक्ति आज देख रहे हैं। बिल्कुल सही, जरूर मान रहे होंगे। क्या क्या चीज सोचकर सबसे ज्यादा दुख होता है कि इन सब जो नारियों के मुद्दे हैं ये सब सियासत में उलझ कर रह जाते हैं। और नारी का इसको लेकर आज सियासत की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर ये भी बता दूं, आज सियासत हुई है। राजपथ पर नारी शक्ति तो दिखी, लेकिन टीएमसी के डेरेक ओब्रायन ने यह आरोप भी लगाया है कि उनकी जो कन्याश्री योजना वाली झांकी थी उसको शामिल नहीं किया गया। इस पर हमने टूरिज्म मिनिस्टर से जब बातचीत की तो उनका यह कहना था कि उनका एक पैनल होता है, वही डिसाइड करता है कि कौन सी झांकी आएगी कौन सी नहीं आएगी। बहरहाल इसको लेकर सियासत जरूर शुरू हो गई है। राजपथ पर बंगाल की शेरनी की शान नहीं निकली, बवाल तो मचना ही था। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप मढ़ा कि केंद्र सरकार एक ओर नारी सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन जब पश्चिम बंगाल ने राज्य सरकार की कन्याश्री योजना को दर्शाते हुए 26 जनवरी की झांकी का प्रस्ताव भेजा तो उसे नकार दिया गया। When we gave the concept, it was rejected. We also made several requests, but it still was not approved. So that's why Bengal was not represented today. Because we really wanted to depict the Kanyashri scheme because it was a unique scheme affecting so many girls. वही केंद्र ने राजनीति के आरोप नकार दिए, कहा कि गणतंत्र दिवस परेड में झांकियों का चुनाव एक कमेटी करती है, इस कमेटी से उनका कोई लेना देना नहीं। झांकियों की सिलेक्शन के लिए एक समिति बनी हुई है, वो समिति निर्णय करती है झांकी की क्वालिटी पर, झांकी के थीम के पीछे, झांकी के मतलब से जो हम लोग संदेश देना चाहते हैं। जब वो झांकी उन तीनों पर खरी उतरती है तब उस झांकी को सम्मिलित किया जाता है। टीएमसी का मैं कहता हूँ, समझता हूँ ये छोटी सोच का विषय है। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज है तो बीजेपी तेजी से सूबे में अपना जनाधार बढ़ा रही है। जाहिर है ऐसे में गणतंत्र दिवस की झांकी को लेकर दोनों के बीच शुरू हुआ विवाद उनकी राजनीतिक तलखी और ज्यादा बढ़ा सकती है। विक्रांत यादव, दिल्ली, आईबीएन 7।
अच्छा, वैसे ये रिपोर्ट देखकर मुझे ये बात याद आई कि जो सियासत है वो सिर्फ बंगाल तक ही सीमित होकर नहीं रह जाती है। सियासत में तो हमारे इस देश की पहली महिला ऑफिसर को भी नहीं छोड़ा गया, किरण बेदी उनको लेकर। और बिल्कुल, और इस पूरे मसले को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक सवाल किया है कि उनके जो नेता है अरविंद केजरीवाल, उनको तो न्योता तक नहीं दिया गया गणतंत्र दिवस के परेड में आने तक का। और बीजेपी की सीएम कैंडिडेट, दिल्ली के जो होने वाले इलेक्शन है उसमें जो सीएम कैंडिडेट है किरण बेदी, उनको ना सिर्फ न्योता दिया गया बल्कि पहली पंक्ति में भी बिठाया गया। और उसके बाद कैमरे का जो फोकस था बार बार उनकी तरफ हुआ, ये सवाल आम आदमी पार्टी ने उठाया यहां पर। गणतंत्र दिवस की परेड में यूं तो पूर्व मुख्यमंत्रियों को न्योता देने की कोई रिवायत नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को शायद न्योता न पाने की 30 साल रही है। पार्टी ने आरोप जड़ दिया कि जहां बीजेपी की सीएम पद की उम्मीदवार किरण बेदी को बुलाकर बाकायदा पहली कतार में बिठाया गया, वहीं पूर्व सीएम केजरीवाल को पूछा तक नहीं गया। न सिर्फ वो फर्स्ट रो में थी बल्कि कैमरा कुछ ज्यादा ही उन पे फोकस भी कर रहा था। मैं समझता हूं कि पब्लिक को सब दिखता है, पब्लिक को दिखता है कि गणतंत्र दिवस जैसे पावन अवसर का राजनीतिक रूप से इस्तेमाल होता है। वहीं आम आदमी पार्टी को जवाब दिया खुद किरण बेदी ने। उन्होंने व्यंग कसते हुए कहा कि केजरीवाल को अब बचपना छोड़कर बड़ा हो जाना चाहिए। आई थिंक दे नीड टू ग्रो अप, इनविटेशंस आर नॉट डिमांडेड, सीट्स आर नॉट, वेयर आई सिट हैज टू बी माय चॉइस, थर्ड हु द कैमरामैन कवर्स इज कैमरामैन्स चॉइस, सो इफ यू आर सल्किंग आई कांट हेल्प इट, प्लीज गेट आउट ऑफ द सॉब। अन्ना आंदोलन के दौरान किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल साथ चल रहे थे, लेकिन अब दोनों ही अपनी अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, सो आमने सामने हैं। अभी हाल तक किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले करने से बचते हैं, लेकिन अब चुनाव की तारीख नजदीक है, जाहिर है ऐसे में व्यक्तिगत हमले भी शुरू हो गए हैं। विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7। वैसे एक बात देखिए, हम सब प्रोफेशनल्स हैं, वुमेन प्रोफेशनल्स, एक बात तो है महिलाओं को अगर ज्यादा फोकस मिल रहा हो तो पुरुषों को समस्या तो होती है। ये बात हमारे बॉस से सुन रहा हूँ, खैर ये अलग बात है, ये यहाँ पर नहीं भाई, हमारे बॉस तो बहुत अच्छे हैं मानेंगे, लेकिन ये बहुत जगह हमने देखा है। खैर अब बिजनेस की बात कर लेते हैं, महिलाएं हर जगह पर आगे हैं। आज जब बिजनेस मीट हुई है बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी के बीच, और वहां पर तमाम बिजनेस डेलीगेशंस भी मौजूद थे, डेलीगेट्स मौजूद थे, उन्होंने साथ साथ बातचीत की और उसमें भी महिलाएं नजर आई। बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ की और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने भारत निर्माण में एक नई ऊर्जा का संचार किया है जिससे न सिर्फ व्यापार के अवसर बने हैं बल्कि देश के विकास के लिए भी एक नई राह खुली है। ओबामा ने पीएम मोदी की बात दोहराते हुए कहा कि भारत असीम संभावनाओं का देश है और अमेरिका उसका नेचुरल पार्टनर है। ओबामा ने कहा कि पीएम मोदी ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की है जिससे अमेरिकी कंपनियों को भारत में निवेश करने में आसानी होगी। ओबामा ने लेकिन भारत को रेड टेपिज्म खत्म करने को भी कहा है। तो मोदी ने कहा कि आज एशिया में सबसे ज्यादा निवेश का माहौल भारत में है। मोदी ने आश्वासन दिया कि वो खुद बड़े प्रोजेक्ट्स पर नजर रखेंगे। मेरा मिशन है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एंड व्हेन आई से पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मैं क्लाइमेट इश्यू को भी एड्रेस कर रहा हूं, एट द सेम टाइम मेरे किसान की इकोनॉमी को भी एड्रेस कर रहा हूं। मैं मेरी तरफ जिम्मेवारी लेता हूं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसकी जिम्मेवारी मैं खुद लूंगा, मैं खुद मॉनिटर करूंगा। दूसरा, भारत की जो फेडरलिज्म है तो स्टेट के साथ बहुत विषय जुड़े हुए हैं। मेरी नई सरकार का पूरा कारोबार यूनियन गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट एंड स्टेट, इन दोनों को साथ लेकर के चलना है, मुझे ऑन बोर्ड रखना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है तो मैंने पहले सबसे पहले उनको तैयार किया है, तो स्टेट में भी वेरिएशंस की संभावनाएं। Generate more than $4 billion in trade and investment with India and support thousands of jobs in both of our countries. Specifically, over the next 2 years, our Export-Import Bank will commit up to $1 billion in financing to support Made in America exports to India. OPIC will support lending to small and medium businesses across India that we anticipate will ultimately result in more than $1 billion in loans
in underserved rural and urban markets. Today, I'm also proud to announce a new public-private partnership to help millions of proud Indian Americans directly invest in India's future. Our new Indian Diaspora Investment Initiative will allow folks back home to generate a new stream of financing for Indian businesses that are investing in non-traditional and too often overlooked markets. Whether it's providing health care to rural communities, or improving water and sanitation, to opening up some of those new bank accounts. और इसके बाद मुस्कान ये उम्मीद रहती है कि ओबामा कम से कम भारत से अब इम्प्रेस होकर तो जाएंगे ही। हाँ, और साथ ही मतलब मुझे ये लगता है कि लोगों की सोच बदलेगी, लोगों की जो ये नारियों के प्रति एक इमेज है जो उन्होंने अपने दिमाग में बनाई हुई है वो भी शायद बदलेगी। माहौल थोड़ा बदलना नारी शक्ति तो लेकिन ऋचा और नवजोत, मुस्कान, निहारिका, मुझे ये लगता है कि सोच तभी बदलेगी जब हम खुद से कोशिश करेंगे, खुद अपने हक के लिए लड़ेंगे और आगे आके अपनी बात रखेंगे। बिल्कुल, बहुत जरूरी बात है। तो चलिए, दिल्ली आज सजी हुई है क्योंकि गणतंत्र दिवस है, हम सभी लोग गणतंत्र दिवस तो मना ही रहे हैं। और दिल्ली किस तरीके से दुल्हन की तरह सजी है, मेरे सहयोगी प्रतीक लेकर आए हैं ये रिपोर्ट। ये भारतीय गणतंत्र की 66वीं वर्षगांठ की उत्सव की तस्वीरें हैं, दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के विरासत की रोशन तस्वीरें। ये तस्वीरें हैं उस लोकतंत्र की जिसकी वर्षगांठ के अवसर पर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा शरीक हुए। आज से लगभग 65 वर्ष पूर्व हमारे संविधान निर्माताओं ने एक सपना देखा जिसे पूरा करने के लिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सभी लगे हैं। सपने देखना किसी भी मुल्क की जीवन शक्ति हो सकता है, लेकिन उस मुल्क के उस आखिरी व्यक्ति के गिलास में साफ पानी मिल सके, उसका बच्चा भी स्कूल जा सके, उसे काम के सिलसिले में अपना गांव न छोड़ना पड़े और उस आखिरी व्यक्ति को भी न्याय मिल सके, ऐसे तमाम सपने को रोशन करती हैं ये जीती जागती इमारतें, हमारा आपका ये जीवंत गणतंत्र। कैमरामैन जयपाल के साथ प्रतीक, IBN 7 दिल्ली। तो हमारा ये गणतंत्र जो हमें हर एक को आजादी से जीने का अधिकार देता है, और आज हम ये उम्मीद करेंगे कि नारी शक्ति का जो हमने एक झलक देखी है राजपथ पर, उससे समाज की सोच बदलने में कुछ मदद मिलेगी। बलात्कार, छेड़खानी, फीमेल फीटिसाइड, ऐसे तमाम अपराध जो महिलाओं के खिलाफ हो रहे हैं वो बंद होने चाहिए अब इस देश में। तो फिलहाल IBN 7 की इस नारी शक्ति को फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।